दीक्षा दो। क्यों दीक्षा देना? क्योंकि बिना दीक्षा के उसको परमात्मा प्राप्त नहीं होंगे। हाँ, अब जिसको भगवान की दीक्षा नहीं मिली, जैसे लोग कहते हैं ना, मैं इस परिवार से जुड़ा, मैं उस परिवार से जुड़ा, मैंने यहां से दीक्षा लिया, मैंने वहां से दीक्षा लिया। याद रखना, अंत समय में एक ही सत्य माना जाता है, क्या? राम नाम सत्य। हाँ, न भवानी देवी सत्य, न शंकर बाबा सत्य, न दुर्गा माई सत्य, न काली माई सत्य, न डिवारे बाबा सत्य, न गायत्री माई सत्य। सत्य कौन? राम नाम सत्य। सभी परमात्मा की ही परम शक्तियां हैं, सभी परमात्मा राम से ही शक्ति प्राप्त करती हैं। जैसे जनरेटर एक है लेकिन बल्ब सारे जल रहे हैं, ये सारे साउंड आवाज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक जनरेटर से सब में सप्लाई जा रही है। उसी प्रकार सभी उपयोगी हैं, सभी में परमात्मा व्याप्त है, सभी परमात्मा से ही शक्ति पाते हैं, पर लक्ष्य एक ही है सबका, परमात्मा प्राप्ति का, चाहे जो हो। अंत समय परमात्मा के ही धाम जाना है। जो मेरा जीवन भर श्याम 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 करती रही, वो मेरा मरते समय राम नाम धन के गुण गाने लगी। राम जीवन में आना ही आना है, जिसके जीवन में राम नहीं आया। जैसे आप एक दो तीन चार पांच कक्षा में पढ़ो, फिर छह सात आठ जूनियर में पढ़ो, फिर नौ दस हाई स्कूल में पढ़ो, फिर आप 11-12 इंटर कॉलेज में पढ़ो, और उसके बाद फिर आप डिग्री कॉलेज में जाओ, ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, है? और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन को क्या बोलते? बोले परा स्नातक, यानी 16 दर्जा पास। अब जब तक आप एमए की डिग्री नहीं लोगे, तब तक आप परा स्नातक कैसे बनोगे? आप पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे करोगे? आप पोस्ट ग्रेजुएट कैसे कहलाओगे? वैसे ही आपने दुर्गा के नाम का मंत्र लिया, शिव के नाम का मंत्र लिया, गायत्री मंत्र लिया, आपने काली मंत्र लिया, आपने ब्रह्म मंत्र लिया, आप नास्तिक बन गए, आप आस्तिक बन गए, आप निराकार के उपासक बन गए, कबीर पंथी बन गए, तुलसी पंथी बन गए, फलाने पंथी, ढिकाने पंथी, जितने पंथी बनना है बन लो, लेकिन अंत समय में आपको यदि परा स्नातक की डिग्री लेनी है, तो आपको डिग्री कॉलेज में जाकर के जो सिलेबस सिलेक्ट है, उन्हीं सिलेबसों में से किसी एक विषय से आपको एमए करना होगा, किसी एक विषय को चूज करना होगा, एक विषय को चुनना होगा। और वो विषय कौन होगा? जिस विषय को मान्यता मिली होगी, जो विषय प्रमाणित होगा। हाँ, कौन प्रमाणित है? राम नाम सत्य ही प्रमाणित है। तो राम के मंत्र की दीक्षा जब मिले, तभी राम मिले, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो माता लक्ष्मी ने नारद को कहा, नारद जी, ये ध्रुव को राम मंत्र की दीक्षा भी नहीं मिली, और जिसको दीक्षा नहीं मिली है वो राम के नाम का भजन करे। जैसे जिसने बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाया है, तो वो कितना भी पैसा कमाए और जमा करे, ले जाकर बैंक मैनेजर के हाथ में दे दे, कैशियर के हाथ में दे दे, तो उसके खाते वो निकालने जाए, दोबारा मिलेगा पैसा? जब खाते नहीं है तो पैसा कहां से मिलेगा? भले आपने मैनेजर को दिया है, कैशियर को दिया है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपका अकाउंट है कि नहीं। आपने जो विड्रॉल भरा है जमा करने के लिए पैसा, उस विड्रॉल में आपने अकाउंट संख्या डाली है कि नहीं? और अकाउंट संख्या डाली है तो अकाउंट संख्या क्या है? उसी अकाउंट संख्या से आपका पैसा आपको मिलेगा। उसी प्रकार आप जब परमात्मा का भजन करते हो, परमात्मा का मनन चिंतन करते हो, कीर्तन करते हो, तो परमात्मा के चिंतन से जो पुण्य होता है, वो पुण्य आपके उसी दीक्षा रूपी खाते में जमा होता है। जब तक आपने गुरु मंत्र नहीं लिया, गुरु से दीक्षा नहीं ली, तब तक आपको उसके पुण्य का पूरा लाभ नहीं मिलता है, और ईश्वर भी नहीं मिलता, क्योंकि गुरु बिन भवनिध तरहि न कोई। ये गोस्वामी जी भी कहते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा है ना, जो बिरंचि संग कर सम होई, स्वयं ब्रह्मा हो, स्वयं शंकर हो, तो भी गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई।